हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिंकल्स किचन। आज हम बनाएंगे प्रेशर में लौकी और चना दाल की सब्जी। इसके लिए मैंने 2 चम्मच रिफाइन ऑयल लिया है। इसमें ऐड करेंगे पंचफूरन, 1 अनियन लिया है। इसको अच्छे से भुनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज जब अच्छे से भुन जाएगा, इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च लिया है, आप चाहे तीखा तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और मसालों की बात है तो मसाले कुछ नहीं डलेगा इसमें, बहुत सिंपल सा रेसिपी है और हेल्दी है। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है, जल जाएगा। और तीखा लाने के लिए आप चाहते हैं तो इसमें मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कश्मीरी चिल्ली पाउडर ऐड किया है। तीखा के लिए थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, आप अगर ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको पकाएंगे थोड़ी देर। मैंने टमाटर काट के रखा है। यहाँ पे मसाले में जीरा पाउडर थोड़ा सा 1/2 चम्मच ऐड किया है, और कोई मसाले नहीं है, बस इतना सा। बिना मसालों की सब्जी है, हेल्दी भी होता है। ये सलाद वाला टमाटर है तो इसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, इसको पकने देते हैं अच्छे से। देखिए पक गया है टमाटर। अब इसमें चना दाल डालेंगे, जिसको मैंने 1/2 घंटा तक सोक करके रखा था, और लौकी को क्यूब्स में काटा है, छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देंगे लौकी को इसमें, और अच्छे से भुनेंगे थोड़ा फ्राई होने तक। अभी पानी नहीं ऐड करेंगे, इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। मसाला इसमें मिल जाएगा, देखिए इस तरह। अब मैंने ऐड किया है स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से मिलाएंगे। अब आ गया पानी डालने का टाइम, तो ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसको 3 सीटी तक पकाएंगे। ढक्कन दे दिया है, चलिए बन गया है सब्जी। इसको थोड़ा हाई फ्लेम में पकाएंगे, देखिए जो पानी पानी दिख रहा है वो सही हो जाएगा, ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाएगा। लेकिन बहुत टेस्टी रहता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जो मसाले ज़्यादा नहीं खाते उनके लिए बेस्ट सब्जी है। अब गार्निश कीजिए धनिया पत्ते से। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।